हाय गाइस, आज डिग्री और रेडियंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक रेडियन कितने डिग्री कितने मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है। आपको ना इसको ओरली याद रखना है, जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबको ना एकदम याद ही रखना है, बहुत ही बेसिक और कॉमन चीज है। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड ऐसा कब होता है, जब पाई का वैल्यू 22/7 रखा जाता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पाई का वैल्यू 22/7 अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग में ये इसका वैल्यू होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू है नहीं। अगर सही में पाई का एक्चुअल वैल्यू पुट किया जाए तो एक रेडियन किसके बराबर होगा, 57 डिग्री 17 मिनट 22.8 सेकंड इसके बराबर होगा अगर वास्तविक वैल्यू पाई का रखा जाए तब। लेकिन एग्जाम में ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, इसी को दिया जाता है, इसी को पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये कभी नहीं आया, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो सही आंसर ये होगा, ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा, लेकिन ऑप्शन में हमेशा इसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको ना आप इसको एकदम मौखिक ही याद कर लीजिए कि एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है। ऐसा कभी ये नहीं आया, लेकिन हम बता रहे जब पढ़ा ही रहे रेडियन के बारे में तो इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 3π/5 रेडियन डिग्री में चेंज करना। हम बता चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करना है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, पहले वीडियो में जाके देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बताए, फिर भी इसको ओरली याद रखिए कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 3/5 और पाई रेडियन को हटा देंगे और कितना लिखेंगे यहाँ पर, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। 5 × 3 = 15, 5 × 36 = 36, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 10 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यही क्या है आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का रेडियन क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, प्रत्येक कोण जब भी पूछा जाए कोई भी पॉलीगन का प्रत्येक कोण, कोई भी बहुभुज का प्रत्येक कोण पूछा जाए, उसके लिए एकमात्र सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, n-2/n × 180 डिग्री, ठीक है ना। और n क्या है यहां पर, भुजा है, n क्या है यहां पर, भुजा है। तो एक बात बताइए, त्रिभुज अगर सभी भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज हो तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, आपको तो मालूम ही होगा कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ 3 फुट कर देते हैं, क्योंकि भुजाएं यहाँ पर कितना है, 3 − 2 कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 है, 3 से कट कर कितना जाएगा, 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये सूत्र बिल्कुल सही है अगर त्रिभुज को लेकर अगर आप यहाँ पर बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर अष्टभुज बोला है, अष्टभुज बोला है, तो अष्टभुज, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन, ठीक है ना। अष्टभुज मतलब क्या होता है, ऑक्टागन के बारे में पूछा है। तो अष्टभुज मतलब कितनी भुजाएं है, 8 भुजाएं है, तो 8 − 2 तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 − 2 / 8 180 डिग्री कितना, 6/8 × 180 डिग्री। ये सब बहुभुज जो सभी भुजाएं बराबर होते हैं वैसे बहुभुज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्येक को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 4 × 8 = 16, 4 × 5 = 20 2 × 3 = 6 इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 13 135 डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन बात रहा कि यहाँ पर पाई को कट नहीं किया गया तो हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे, हम कट कर दिए। अगर ऑप्शन में ये रहता तो ये आंसर होता, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में रेडियन में आंसर पूछा गया है तो 6/8 और 180 डिग्री मालूम है कितना होता है, पाई रेडियन होता है, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 तो कितना आ गया, 3/4 पाई रेडियन, आगे क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर दोनों तरीके से हो सकता है, तो रेडियन में पूछा गया तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। अगर रेडियन में नहीं पूछता तो ये आंसर होता, ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे 6/8 और यहाँ पर पाई रेडियन कट कर दिए, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 तो कितना आ गया, 3/4 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है, इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के कोण दिया हुआ है, उसमें न्यूनतम कोण
न्यूनतम अनुपात अधिकतम दोनों दिया, न्यूनतम और अधिकतम दोनों दिया हुआ है। कितना डिग्री का है? एक 60 डिग्री का है और एक पाई रेडियन का है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कितने कोणों के अंश होंगे? एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो कोण तो दिए हुए हैं, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। 0 से 0 6 का 6 6 3 18, तो 1:3 कितना आ गया? 3 आ गया। तो बड़ा और छोटा का रेशियो कितना आ गया? 1:3 आ गया। और ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन दिखाता है 30 डिग्री सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कितना है? 90 डिग्री। तो इससे ये कितना मल्टीप्लाई है? 30 मल्टीप्लाई दिया, इससे कितना मल्टीप्लाई होगा? 30 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 30 है फिर 90 है, तो अगर हम और 30 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर अगर और हम 30 ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा? 90 होगा। क्या तीनों कोणों का योगफल 180 आ रहा है? तो हम जोड़ के देख रहे हैं 180 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा हम सेकेंड ऑप्शन को भी चेक करेंगे, लेकिन किसी में ऐसा बन नहीं पाएगा, सिर्फ इसमें ऐसा बन पा रहा है कि 30 बढ़ रहा है, यहाँ 30 बढ़ रहा है। तो मतलब ये समांतर श्रेणी में, एपी मैथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, हम ऑप्शन से ही देखें हम समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी में भी बढ़ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और एक का वैल्यू हम 30 लेके देखें तो इसका 30 मल्टीप्लाई है, तो दूसरा का कितना मल्टीप्लाई होगा? 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो जो कि हो रहा है, और 30 जोड़ दिए तो ये बीच का कोण होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, और समांतर श्रेणी में भी है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो सब चीज को फुलफिल कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। इसलिए आंसर कौन सा होगा? पहला वाला होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्रश्नों को एकदम अपना लॉजिक से आसानी से हल किया जाता है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा हल करना है और अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दिया, त्रिभुज के ए बी सी में एक कोण दिया है, दूसरा कोण दिखा है, तीसरा कोण, वृत्तीय माप क्या होगा? एक त्रिभुज है, उसमें से एक कोण का मान दिया हुआ है एबीसी, एबीसी इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 75 एसीबी, इसका भी वैल्यू दिया रेडियन में दिया हुआ है, तो बीएसी का मान निकालना, इसका मान फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो साफ साफ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री होता है, तो पाई रेडियन तो 75 है, तो हम पहले ही बताए थे कि 70, अच्छा एक मिनट, पहले हम डिग्री में ही चेंज कर लेते, ठीक है ना। तो पाई रेडियन बराबर कितना? 4 है, तो ये मालूम है कि पाई रेडियन किसके बराबर था? 180 डिग्री के बराबर था, कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 24, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये किस कोण का वैल्यू था? सी कोण का वैल्यू था, ठीक है ना। तो बी कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी कोण का वैल्यू 75 है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 7 × 4 = 11 और 120 डिग्री। तो इसका मतलब कोण ए कितना हो जाएगा? कोण ए कितना हो जाएगा? अरे 75 डिग्री और 45 डिग्री सी और बी मिलके कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो 120 में और कितना ऐड करेंगे कि 180 हो जाएगा? तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है ना। और 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए? 60 डिग्री को हमको मालूम है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। तो 180 को कहां लेके लाएंगे हम? नीचे लेके लाते हैं, तो यहां पर कितना डिग्री बचता है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाई रेडियन बटे कितना होता है? 180 होता है। तो यहां पर भी वही करेंगे, पाई बटे 180 लेंगे, रेडियन में रहेगा, और इसको कट कर लेंगे, 6 × 6 = 18, कितना आ गया? पाई रेडियन बराबर 3 आ गया, यही क्या है आंसर है। तो हम दोनों कोण को जो रेडियन में था उसको डिग्री में चेंज कर लिए, और दोनों कोण को जोड़ के देखें तो कितना 120 आ रहा है, और 180 पूरा होने के लिए कोण ए को कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, तब तो 120 और 60 कितना है? 180। तीनों कोण का योगफल कितना है? 180 तो हो रहा है, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर दें। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम बताए हैं, पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। 180 को हम नीचे लाएंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई रेडियन बटे 180, कोई भी डिग्री रहे उसको अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे कितना से 180 रेडियन से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है, वही चीज हम यहाँ पर भी किए, और इसको कट किए तो कितना है? पाई रेडियन बटे 3 आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इस
इसके दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम दो भुजाएं आपस में बराबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक असमान कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक असमान कोण का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 pi बाई कितना दिया हुआ है, 9। तो पाई रेडियन है, ठीक है ना। तो 5/9 तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 9 × 2 = 18 कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो 100 डिग्री हुआ और बच गया कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता था, और 80 डिग्री बचा होगा। तो 80 डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 40 में होगा, ये तो 100 आ गया। अभी हम 5/9 पाई रेडियन को चेंज किए, कितना डिग्री आया, 100 डिग्री आया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 80 बच गया ना, 80 को दो भागों में बांटेंगे ना हम, 40 और 40 में बांटेंगे। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है कि 40 डिग्री का। तो हम बताए हैं कि कोई भी डिग्री है, कोई भी डिग्री रहे दुनिया का, तो उसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो कितना, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 × 4 = 9 = 18, 2/9 पाई रेडियन क्या है आंसर, ठीक है ना। तो 2/9 पाई रेडियन है, इसका वैल्यू भी उतना होगा, इसका वैल्यू भी उतना ही होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। थीटा इसमें दिया है, थीटा न्यून कोण हो और साइन थीटा प्लस 18 डिग्री कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ है। 1/2 साइन किसका होता है, तो साइन कितना होता है, 30 डिग्री। यहाँ 1/2 दिया हुआ है, तो उसको हटा के हम साइन 30 डिग्री लिए। ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं जब इसका वैल्यू आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब हो सकते हैं। तो हम साइन साइन को कट नहीं करेंगे, बस इसे हटा लेते हैं, और थीटा प्लस 18 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर हम 18 को उठा के उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 डिग्री होगा। हम पहले ही बोले थे कि दुनिया का कोई भी डिग्री में रहे उसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना होता है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 12 × 12 कितना, 6 × 12 = 60, तो कितना आ गया, पाई रेडियन बटे 15 आ गया, ही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः दोनों, दो कोणों का योग ठीक है ना, दो कोण है, थीटा है और अल्फा है, उसका योग कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री, और उनका अंतर कितना दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। थीटा और अल्फा का अंतर कितना दिया हुआ है, पाई रेडियन बाई 12, ठीक है ना। तो कोणों का मान डिग्री में क्या होगा, एक बात बताइए, अगर हम इसको 180 लिख सकते हैं, बोलिए पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फिर इसको कट करेंगे, 12 × 12 = 60, तो कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, अगर हम इसको प्लस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा अल्फा अल्फा, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 0, 3, 4 और 1, 5, तो कितना 150 आ जाएगा, 150 डिग्री। और थीटा थीटा कितना, 2 थीटा हो जाएगा, ये कट कर देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। तो अगर 75 डिग्री आ गया, थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, 75 का वैल्यू इधर माइनस हो जाएगा 75 से, तो कितना हो जाएगा, 0 = 40 डिग्री होगा। तो 75 और 40, ऐसे भी हम अगर थीटा 75 मिल गया तो बाकी को निकालने का भी हो सकता नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 75 हो, किस में था, 2 में था, ठीक है ना। तो हम इसको नहीं भी निकालते, फिर भी हम यहाँ 75 पुट करेंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो 135 में 75 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको दोनों कोण को हम निकाल लें इसे कितना आसानी से, ठीक है ना। बस रेडियन को चेंज कर लिया हम किस में, डिग्री में, और डिग्री के बाद इसको जोड़ दिया तो अल्फा अल्फा कट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना, 75 आ गया, 75 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, नहीं भी पुट करते तो 75 सिर्फ एक ऑप्शन में था, हम देख के आंसर मार देते कौन सा होता, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। फिर भी पुट कर दिया उधर ले गए तो 135 में अगर 75 माइनस करें कितना जाएगा, 40 डिग्री, और यही क्या है इसका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आप अपने से बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा ही, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं होता है जहां पर समझने लायक हो और हम ना बताएं, हम हर जगह बता देते हैं जहां पर समझने
लाइक होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। वो घर बैठे बिना कोचिंग क्लास लिए घर बैठे इस चैनल के माध्यम से मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ओके, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।